आप सभी के पास एक डाउट होगा कि वेव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो आइए आज हम लोग देखना चालू करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव में अंतर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे वेव्स, और वेव्स की जो दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। सामने जो आपको दिख रही है वो एक पैटर्न दिख रहा है, और ये पैटर्न है लॉन्गिट्यूडिनल का, जिसमें कि बार बार जो पार्टिकल्स हैं वो एक पास आते हैं फिर दूर होते हैं। पास आने के दौरान को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, और दूर जाने को बोलते हैं हम लोग रेयरफैक्शन। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो वो हमारी साउंड होती है। तो साउंड जो होती है वो पार्टिकल एक दूसरे के थ्रू भेजा जाता है। सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एक दूसरा वेव का पैटर्न है, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि पानी में आप जो होता है, पानी में आप कोई बूंद डालो या आप कोई स्टोन डालते हो, तो उसमें एक पैटर्न दिखता है जो झिलमिलाहट से पूरे सरफेस पे हमको देखना चालू करती है। तो वो क्या होता है कि वो एक पैटर्न है, मोशन हो रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर, और प्रोपागेट सेम इसी वे में हो रहा है जिस वे में आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, राइट। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी इसी वेव में होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इसी फॉर्म में होती है। तो ये हमारा एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और सामने जो आपको ये पूरी स्क्रीन पे एक रेड डॉट दिख रहा होगा, ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, जैसा भी कलर का, पर एक डॉट दिखाई दे रहा है, राइट। वो डॉट को आप सपोज कर ले कि एयर पार्टिकल है, ठीक। अब इस एयर पार्टिकल को आप ये देखिए, जब ये ऑसिलेट इस ट्रांसवर्स वेव में चल रहा है तो क्या ये एयर पार्टिकल मूव कर रहा है? हाँ, कर रहा है। पर कैसे कर रहा है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है। पर क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मतलब टू एंड फ्रो तो जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पर ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं सकता। तो एयर पार्टिकल यानी कि मीडियम, तो हमें चाहिए होता है साउंड को, इसीलिए कि हमें साउंड को एक मीडियम चाहिए या एक लॉन्गिट्यूडनल मीडियम चाहिए होता है। जबकि सामने देखिए अब एक पैटर्न आपको जो आया ये एक लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न है। अब इसमें क्या ही आ रहा है कि स्प्रिंग को, इसी स्प्रिंग को हमने एक तरफ से फोर्स दिया उसको, अब एक फोर्स दे रहे हैं तो लगातार दूसरी तरफ जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, पार्टिकल जो है वो लगातार दूर ट्रैवल करने वाला, थोड़ा थोड़ा करके भले वापस आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इसी को बोलते हैं हम लोग साउंड, राइट। अब यहाँ पर एयर पार्टिकल कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। तो ये चीज है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। तो आई होप कि आपको इसी से क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं और ट्रांसवर्स वेव कैसी होती हैं। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर अभी भी कोई डाउट्स बच गए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।